हेलो नमस्ते। अभी मैं बात करता हूँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक वीडियो देख लो आप। पहले तो इसी सीरीज में जाके एक देख लो फटाफट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। मैंने समझाया था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे छूट रहे हैं, शादियां होती है। मतलब शादी को हाउ विल यू डिफाइन मैरिज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। हाँ, कैसे डिफाइन करोगे शादी में? देखो शादी इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी। सी इफ यू मैरी यू विल जनरेट गुड रिसोर्सेज, वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यू विल जनरेट लेबर इफ यू मैरी एंड देन एंटरप्रेन्योर्स, राइट? ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, देखो फटाफट फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हजार बार बोल चुका हूँ, और समझ में आया तो आया, नहीं समझा नहीं समझे तो वापस रिपीट कर लो इस वीडियो को। अभी कोई भी चीज पैदा करने में, उगाने के अंदर, मान लो ये खेत है, इसमें उगाने के अंदर चार चीजें लगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन रियल लाइफ ना इतनी इजी है नहीं। रियल लाइफ में क्या है ना, एक सरकार भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है? और गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है, सब टाइप के लोग होते हैं, इनइक्वालिटी होती है। तो उस हिसाब से क्या करती है सरकार, दो चीजें रखती है। सरकार का काम होता है, सरकार का सिंगल काम होता है सोसाइटी को कंटिन्यू रखना, पेरेनियल जो कहते हैं ना, एक गंगा नदी की तरह बह रही है, नदी की तरह सोसाइटी, नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहनी चाहिए, ये अजम्पशन है। और सरकार को भी हमेशा बहते रहना चाहिए उस हिसाब से। तो सरकार क्या करती है, बहते रहने के लिए इनइक्वालिटी कम रहनी चाहिए सोसाइटी में, नहीं तो सोसाइटी कोलेप्स कर जाएगी। तो उस इनइक्वालिटी को कम करने की क्या कहती है, ज्यादा जहां सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा जो लोग ज्यादा दे सकते हैं एबिलिटी टू पे, तो उनसे लेती है, और उनसे लेती है क्या, टैक्स। और जो लोग अपने आप अपने पास जिनके पास कम रिसोर्सेज है, जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जी रहे हैं, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बहुत कम चीजें हैं, उनको सरकार क्या देती है, सब्सिडी। तो ये मान लो कि सब्सिडी और टैक्स, ये दो इस तरह के टूल हैं सरकार के पास, जिससे सरकार क्या करती है, इनइक्वालिटी कम करती है। क्यों करती है मैंने बताया इसके ऊपर डिटेल में, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा मस्त सा। तो ये जो भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ, मान लो ठीक है, लाल लाल तो क्या ही प्रोड्यूस होता होगा, बट मान लो जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इसमें एल एल लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लगा, चार चीजें लगी, मैंने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। इसके अंदर क्या करती है सरकार, क्या करती है सरकार, इसके ऊपर टैक्स लगा देती है, लगा दी टैक्स, और इन लोगों को सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी को हम ट्रांसफर करते हैं, यहां से सरकार सब्सिडी देती है इसके अंदर, ठीक है? बहुत सारी सब्सिडी होती है, सब पे बात करूंगा मैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, इंश्योरेंस के लिए सब्सिडी, कार्ड खेलने के लिए सब्सिडी, प्लेइंग कार्ड के लिए सब्सिडी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो टैक्स और सब्सिडी, सब्सिडी दे देती है सरकार इनको, और टैक्स इनसे ले लेती है, क्योंकि आप सामान बेचने जाओगे तो कहीं कहीं टैक्स आपके ऊपर लागू होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, मतलब डेट पे गए, दो जने खाना खा रहे हो, ये हमेशा समझ लेना कि एक तीसरा आदमी भी वहां बैठा है, सरकार चुपचाप इनविजिबल हैंड से खाना खा रहा है। एडम स्मिथ वाला इनविजिबल हैंड एक कंसेप्ट है ना, इकोनॉमी के अंदर खाना खा रहा है, मतलब टैक्स के रूप में आपसे बिल में देखना 24%, 25%। हाँ तो कम बैक हियर, ये प्रोड्यूस मान लो 100 रुपए का हुआ, असली इसका मार्केट प्राइस हम देख रहे हैं ना, मार्केट में आया तो कितना प्राइस आपको पे करना पड़ा, ये मान लो 100 रुपए का असली, सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप 100 रुपए का लगा इसमें। फिर यहाँ क्या हुआ, सब्सिडी मिल गया इसको, किसान को। जब सब्सिडी मिला, किसान और मजदूर और एंटरप्रेन्योर ये सब यही है, जब इसको सब्सिडी मिला ना, तो ये सब्सिडी इस आदमी ने इसमें से कम कर दी। भाई 100 रुपए तो लगा इसका, लेकिन असली में 100 रुपए लगना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि फर्टिलाइजर फ्री में मिल गया। फ्री में मिल गया तो ये आदमी अपनी कॉस्ट में कभी ऐड करेगा? भाई आप अपनी पूरी कॉस्ट निकालोगे, क्या क्या खर्चा हुआ, तो उस खर्चे में मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक पे सब्सिडी मिल गई 20 रुपए की, अभी 35 रुपए की जो आधा लीटर कोका कोला है वो आपको 15 रुपए में मिल रही है। जब आप अपना खर्चा जोड़ोगे, कॉस्ट ऐड करोगे, तो क्या 35 रुपए जोड़ोगे, 15, तो 15 ही जोड़ोगे ना, क्योंकि आपने तो 15 ही दिए, 20 रुपए तो डायरेक्ट कहीं ने सरकार ने कहीं से दे दिया आपको। ये मान के चलो कि जो सब्सिडी मिलती है वो आप अपनी कॉस्ट में से, अपनी कॉस्ट होती है जो जो फाइनल प्राइस आप निकालोगे मार्केट के लिए, उसमें से कम कर देते हैं। मान लो 20 रुपए की सब्सिडी थी, वो कम कर दी आपने, -20, ये क्या है, सब्सिडी, ठीक है? और आप जब गए
तब आपको क्या लगा? आपको नहीं, जो दुकान वाला आपको बेच रहा है उसको टैक्स लगा, उसको मान लो इतना परसेंट टैक्स लगा, 30% टैक्स लगा, 30% टैक्स। मान लो 80 रुपए में उसने खरीदी, भाई 100 माइनस 20 रुपए में, ये 100 माइनस 20 रुपए में किसान ने बेच दिए दुकान वाले को, ये समझो बात को। ये किसान था, किसान से दुकान वाले के पास आ गई, दुकान से आपने खरीदी, ठीक है। अभी किसान का 100 रुपये असली में होता, लेकिन उसको 20 रुपये सब्सिडी मिल गई, 100 माइनस 20 हो गया उसका, कितना हुआ 80। ये 80 रुपये दुकान वाले को दिया, 80 रुपये प्लस दुकान वाले ने मान लो बिना किसी प्रॉफिट के आपको सिर्फ कितना परसेंट टैक्स, 30%, 24 रुपये लगा के आपको 104 रुपये में आपको बेच दिया। आपने तो मार्केट से खरीदी ना, मार्केट से खरीदी ना, तो मतलब आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, 104 रुपये। तो अब मैं बोलूं कि सिर्फ मान लो पूरी इकोनॉमी में यही काम हुआ पूरे साल, तो जीडीपी कितनी हुई? पूरी इकोनॉमी में सिर्फ यही काम हुआ तो जीडीपी 104 रुपये हुई, किस पे? मार्केट प्राइस पे। मैंने जब ये आपको समझाया, मैंने कहा दुकान वाले ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, इसने अपना वैल्यू एडिशन का कुछ भी नहीं लिया, तो ये 100 रुपए की क्या थी? प्योरली 100 रुपए इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ईए लिख लें, 100 रुपए माइनस 20 रुपए क्या था? ये था सब्सिडी, था हिंदी में लिखता हूं मैं, सब्सिडी, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी हो गया। चलो सब्सिडी माइनस सब्सिडी, और यहां दुकानदार ने क्या किया? यहां दुकानदार ने कुछ नहीं, टैक्स ऐड किया प्लस टैक्स, ये टैक्स ऐड हो गया, तो क्या आ गई? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आई आई नहीं आई? ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है प्रोडक्शन है, ये कैसे हुआ? फैक्टर कॉस्ट से हुआ। तो हम इसको, ये इधर वाली जो है ना, इसको हम जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यही सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं कह सकते क्या? फैक्टर कॉस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फैक्टर कॉस्ट, सारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स का 100 रुपया खर्चा हुआ यहाँ पे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी, सब्सिडी प्लस टैक्स, इसका मतलब हुआ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यही तो है सिंपल फॉर्मूला। अब आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को कहा जाए, सिंपल है, तो क्या करोगे? इन दोनों चीजों को आप उधर ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो कैसे होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस, और उसमें से घटा दोगे क्या? ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऐसा ही है गणित में, ऐसा ही होता है, ये बराबर के जो इधर उधर जाता है ना, उसका नक्शा चेंज कर देते हैं लोग, तो ये उधर जाएगा तो माइनस टैक्स हो जाएगा, प्लस सब्सिडी हो जाएगा। तो इसको वापस लिखें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज। अब इसको एक कॉमन आदमी की तरह से देखो, अगर कोई चीज की असली प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई वो चीज पता करनी है, तो आप इसमें जो भी फ्री में आपको मिला, जो कैलकुलेट नहीं कर पाए वो जोड़ दोगे, तो जीडीपी मार्केट प्राइस जो है उसमें से आपने पहले जब सब्सिडी मिला था तो उसको घटा दिया था, इसलिए उसको अभी माइनस कर दो। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो घटा दिया था सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी मिला था घटा दिया था, उसको यहाँ प्लस कर दो, प्लस सब्सिडी, ठीक है, और टैक्स आपने जोड़ के ही तो बेचा, इसलिए उस टैक्स को माइनस कर दो, क्योंकि वो असली कॉस्ट तो नहीं है ना, पर टैक्स तो सरकार ने लिया है अपने पर्पज से, तो सरकार ने टैक्स लिया, ये सब्सिडी दिया, और उस जीडीपी मार्केट प्राइस जो है, जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें ये सब कुछ हो गया, तो ये आ गई अपना फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है, ये आपकी जीडीपी की बड़ी कॉम्पिटेटिवनेस दिखाता है कि आप कितने कम में कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो सब्सिडी दे दी आपको बहुत बहुत ज्यादा और आपने प्रोड्यूस कर दिया, क्या फायदा हुआ उसका? मतलब उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ सब्सिडी से ही आप बना के दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एक ट्रू मेजर है, किसका? आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो एफिशिएंसी है, ये उसका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। समझ में आओगा? मतलब सारे फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने के बाद इतनी कॉस्ट पड़ती है, वह है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। चलो एक होमवर्क करो, पता करो इंडिया का जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, फिर करंट प्राइस, मतलब करंट प्राइस ही तो मार्केट प्राइस है, फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस जीडीपी, जीडीपी एट फिक्स प्राइस, और फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये एक बार देखो ये डेटा, क्या इंडिया का जीडीपी क्या कहता है, और यहां से आपको खटाखट पता चल जाएगा कि जीडीपी रियल क्या होती है, जीडीपी रियल क्या होती है, और जीडीपी नॉमिनल क्या होती है, ठीक है।
आपको जीडीपी रियल और जीडीपी नॉमिनल भी यहां से पता लग जाएगी आप जब ये एक्सरसाइज करोगे, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये एक इन्फ्लेशन मेजर करने का एक तरीका है। हाँ, फेसबुक पे लाइक करना तो लाइक कर देना, ठीक है, facebook.com/IAS.TOS। हाँ, कुछ कंप्लेंट कंप्लेंट कुछ थैंक यू वगैरह मेल करना है तो मेल कर देना IASTOSIndia@gmail.com। ठीक है, gmail.com, कुछ बोल बच्चन कुछ भी लिखना है लिख देना। बाय बाय।